डे 5 में आ चुके हैं हम लोग और यहाँ पे कर्व लाइन के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक कर्व जो होता है ना वो हम लोगों ने बना लिया। अब इसको मल्टीपल टाइम्स बनाने पड़ेंगे, मीन्स कि 2 टाइम्स बनाने पड़ेंगे और शेप जैसे जैसे डेवलप होगा ना आप उसको पहचान भी जाएंगे, मुझे लगता है पहचान भी गए होंगे। तो ये है बनाना, बनाना हमें बनाना है और यहाँ पे आउटलाइन जो है ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पे देख रहे हो ना जब भी आप ड्रॉ करोगे ना तो मल्टीपल लाइन्स बने, तो कोई बात नहीं मल्टीपल लाइन्स आपको बनाना है, बाद में हम लोग फेयर करने वाले हैं। तो एक एक करके लाइन जो है हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे पेंसिल जो मैंने यूज किया ना वो है 4B, तो डार्कनेस भी मेंटेन रहता है यहाँ पे और आपको प्रॉपर विजिबल भी होता है। तो जो भी आप ड्रॉ करोगे पहली बार में ना मल्टीपल लाइंस बन रहे तो बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड बनाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे इरेज करके वापस फाइनल आउटलाइन भी बनाना है। तो यहाँ पे एक डिवाइडर है बनाना में, वो हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं। आपके पास बनाना हो ना तो उसको देख के भी बना सकते हो यहाँ पे। तो ये आउटलाइन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ा इरेज करेंगे मल्टीपल लाइंस को और यहाँ पे एक लाइन में अपनी ड्राइंग को बनाएंगे, क्योंकि जितना नीट एंड क्लीन ड्राइंग रहेगी हमारी आउटलाइन उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देख रहे हो ना कि हम लोग जब भी लाइन के थ्रू, स्ट्रेट लाइन के थ्रू बनाते हैं या कर्व लाइन के थ्रू हम लोग जब बेंड करते हैं यहाँ पे, तो वही जो है ना हमें आज बनाना है और बनाने में। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि जैसे ऊपर का पार्ट है और नीचे जब आ रहा है ना, तो नीचे जब आ रहा है ना तो उसके हिसाब से, उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी टेंटेटिव आप समझ लो कि ये कुछ इस तरीके से ही ड्रॉ करना है। जब हम पर्सपेक्टिव स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरी तरीके से इसके बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अभी तो स्ट्रेट में कंप्लीट किया था हम लोगों ने, अब यहाँ पे थोड़ा कर्व में कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बनाना है ना तो उसके एजेस जो होते हैं ना वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। तो सॉफ्ट होने के लिए हम लोगों ने वापस ओवरराइड कर दिया इसको बिल्कुल ही सॉफ्ट एजेस से। तो ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या होगा ना यहाँ पे, अब हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हैचिंग की। तो ये एक हैचिंग शेडिंग टेक्निक है, वही आज हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि एक एक पैरेलल लाइन, हमारे पास लाइन आ चुके हैं, आउटलाइन आ चुका है, इनफैक्ट स्टार्ट और एंड भी हमारे पास है, उसमें आपको फिल करना है। तो यही आपको जो मैंने आपको बताया था ना कि दोनों लाइन के बीच में ना थोड़ा गैप होना चाहिए, व्हाइट आना चाहिए, वो हो जाता है आपका शेडिंग टेक्निक जिसको कहते हैं हैचिंग। तो नीचे से और ऊपर दोनों तरफ से हमें फिल करना है। थोड़ा सेंटर में हम लोगों ने ब्राइट रखा है, उसका भी कुछ रीज़न है, जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू लाइट बनाते हैं, थोड़ा सा उसमें डेप्थ आनी चाहिए। तो ये धीरे धीरे आप लोग पता चलेगा और मैं स्टार्ट से ही ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होगे। सेंटर लाइन जो है जहाँ पे डिवाइडर है वहाँ पे थोड़ा हम लोगों ने शेड किया, जिससे आपको पता चले कि हल्का सा शेडो भी क्रिएट कर रहे हैं। तो लाइन के थ्रू सब कुछ हम लोगों ने बनाया है, जितने भी हम लोगों ने बनाया सब लाइन के थ्रू ही बनाया है। अब यहाँ पे सेंटर लाइन से नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे डार्क है, जैसे जैसे नीचे लेके आ रहे हैं ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट कर दे रहे हैं, यानी कि ब्राइट कर दे रहे हैं। तो यहाँ सब कुछ यहाँ पे लेके स्टार्ट से लेके एंड तक आपको यही करना है। तो एक आपको ना प्रॉपर ना ऑब्जेक्ट का लुक जो है ना वो आपको मिल चुका होगा और कुछ इस तरीके से ही करना है। और सिमिलर ऑब्जेक्ट में यही टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो ऊपर का पार्ट जो है ना उसमें थोड़ा लाइट है और नीचे के पार्ट में थोड़ा सा डार्क होगा, क्योंकि नीचे शेडो भी रहता है। तो ये हम लोग नीचे से थोड़ा सा एक लाइन, एक लेयर और बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ऐसा प्रैक्टिस कर लो, जैसे जैसे हम लोग ट्यूटोरियल्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको डेप्थ में नॉलेज मिलते जाएगी। नीचे के कंप्लीट किया, अब हम यहाँ पे ऊपर भी कंप्लीट कर रहे हैं एक एक करके, लेकिन आपका जो लाइन का जो वे है ना वो चेंज नहीं करना है, एक ही डायरेक्शन। जैसे आप देख रहे हो ना कि सेंटर की तरफ से जा रहा है ऊपर से लेके, यही जो डायरेक्शन है ना यही डायरेक्शन आपको करना है। अब यहाँ पे तो हम लोग सिंगल लाइन से कर चुके हैं, अब यहाँ पे कर रहे हैं क्रॉस हैचिंग, जिसमें डेप्थ आपको ज़्यादा मिलेगा। जहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे हम क्रॉस हैचिंग करते हैं, यानी कि एक लाइन बन चुका है जिसको हम लोग कहते हैं हैचिंग, दूसरी लाइन ओवरराइड करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन से, या फिर थोड़ा स्लांट ड्रॉ करते हैं ना तो वो हो जाता है क्रॉस हैचिंग। तो ये पूरे इमेज पे हम लोगों ने कर लिया, डेप्थ भी क्रिएट कर चुके हैं। और यहाँ पे बारी आ जाती है शेडो की, तो शेडो हमेशा नीचे आएगा। तो नीचे पे हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा कॉन्टैक्ट बनाने के बाद इसको हम लोग शेडो बना रहे हैं और सॉफ्ट बनाना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही हार्ड लाइन बनाना है, बिल्कुल ही सॉफ्ट लाइन आपको बनाना है और इसमें ना गैप कहीं नहीं देना है। तो यहाँ पे शेडो जो रहेगा बिल्कुल ही आपको सॉफ्ट करके, मीन्स की सेंटर में थोड़ा डार्क रहेगा, जैसे जैसे किनारे की तरफ जाएगा उसको हम लोग थोड़ा लाइट रखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ, जिन लोगों को बिल्कुल ही स्लो वर्जन चाहिए और भी डिटेल में ट्यूटोरियल्स चाहिए तो इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखना। और यहाँ पे थोड़ा हम लोग डेप्थ भी क्रिएट कर रहे हैं नीचे की तरफ से, क्योंकि
टॉप से लाइट है तो नीचे डार्क ज़्यादा होता है, तो वो हम लोग थोड़ा सा फिल क्रिएट कर रहे हैं। होपफुली आप लोग को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा आज का। कल का एपिसोड जो है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर बनिए हमारे साथ। तो मिलते हैं कल के दिन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, कई सारे वीडियो दिख जाएंगे। तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे डे वन वगैरह लिखा हुआ है, ड्रॉइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोस को।